भारत और आयरलैंड के बीच बुधवार को तीसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच लगातार बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द करना पड़ा। भारत ने इसके साथ ही 3 मैच की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम की। चोट के बाद वापसी कर रहे तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में खेलते हुए भारत की वर्षा से प्रभावित पहला मैच डकवर्थ लुईस प्रसिद्ध पद्धति के आधार पर 2 रन बाकी दूसरा मैच 33 रन से जीता था। बारिश के कारण अंतिम T20 में टॉस भी नहीं हो सका। कई बार निरीक्षण करने के बाद अंपायरों ने मैच शुरू होने के निर्धारित समय से 3 घंटे बाद इसे रद्द करने का फैसला किया। इस श्रृंखला चोट के बाद वापसी कर रहे दो तेज गेंदबाज बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा के लिए अच्छी रही। दोनों ने 2 मैच में 4-4 विकेट चटकाए। इन दोनों की अब तक 30 अगस्त से शुरू हो रहे एक दिवसीय एशिया कप में कड़ी परीक्षा होगी। 5 अक्टूबर से स्वदेश में शुरू हो रहे ICC एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विश्व कप को देखते हुए बुमराह की फॉर्म और फिटनेस भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बुमराह की अगुवाई में खेल रहे युवा खिलाड़ियों को इस श्रृंखला से अगले महीने चीन में होने वाले एशिया कप की तैयारी का मौका मिला। यहां भारत अपनी दूसरे दर्जे की टीम भेजेगा क्योंकि सीनियर खिलाड़ी विश्व कप की तैयारी में व्यस्त हैं। चीन में टीम की अगुवाई करने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को वेस्टइंडीज दौरे पर अधिकतर समय बाहर बैठने के बाद लगातार 2 मैच खेलने का मौका मिला। उन्होंने रविवार को भारत की 33 रन की जीत के दौरान अर्धशतक जड़ा। इस श्रृंखला को हालांकि IPL सनसनी रिंकू सिंह के प्रदर्शन के लिए भी याद किया जाएगा, जो अपनी एकमात्र पारी में प्रभाव छोड़ने में सफल रहे। एक दिवसीय प्रारूप में KL राहुल के बैकअप माने जा रहे संजू सैमसन ने भी दूसरे T20 में 40 रन की तेज तर्रार पारी खेली, लेकिन उनके विश्व कप टीम में जगह बनने की संभावना कम है। शिवम दुबे ने गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दिया। जानकारी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।